आप सभी को सुनाने वाली हूँ एक कहानी। ये कहानी सुनाने के पीछे का उद्देश्य मेरा ये है कि आप सभी को गर्भ संस्कार के बारे में और अधिक जानकारी मिले, आप ये समझ सके कि कैसे ये जो सब्जेक्ट है अगर आप इसे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करते हैं या इसके बारे में इसमें बताई गई जानकारियों को अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, इसे अपनाते हैं, तो इससे न केवल आप अपने आसपास का माहौल और अपनी सोच सकारात्मक बना सकते हैं बल्कि अपने आने वाली संतान के भी बौद्धिक और शारीरिक विकास को अपने मनोनुसार अपने मनोनुकूल तरीके से उस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, असर डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी संतान के रूप को, उसके गुण को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे संस्कार और गुण अपनी होने वाली संतान में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये टेक्निक जो है बहुत चमत्कारी है और इसके रिजल्ट्स जो होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं। ये कहानी सुनाने के पीछे एक और कारण ये है ताकि आपको ये पता चल सके कि मॉडर्न साइंस जिन चीज़ों को आज प्रूव कर रहा है, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने उन सारी बातों को कई हज़ार वर्षों पूर्व ही हमें बता दिया था और इसे प्रूव कर दिया था। इसके एग्जाम्पल्स हमें अपने वेदों में, अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में देखने के लिए मिलते हैं। ज़रूरी है यहाँ पर तो बस ये कि हम अपने वेदों से जुड़े, अपने संस्कारों से जुड़े, अपनी मान्यताओं से जुड़े और अपने होने वाली संतान के साथ साथ अपनी पूरी की पूरी जनरेशन को संस्कारों से सुसज्जित बनाएं, उसे संस्कार दें। संस्कारों से हीन मनुष्य या व्यक्ति उस पेड़ की तरह होता है जिस पेड़ पे ना कोई फल आते हैं और ना किसी भी तरीके से वो किसी इस्तेमाल के लायक होता है। गर्भ संस्कार जो है उसका मूल ही यही है कि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो संस्कारवान बने, गुणवान बने, बुद्धिमान बने और आप खुद की सकारात्मकता से उसे प्रभावित कर सकें और ये सारे गुण उसमें ट्रांसफ़र कर सकें। ये विद्या जो है इसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि कुछ कहानियाँ, जैसे कि आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ, उसी तरीके की कई सारी कहानियाँ आपको सुनाई जाएंगी, उसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा। बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को सुनने चाहिए, जिनके सुनने मात्र से आपकी संतान जो है वो गुणवान बन सकती है, रूपवान बन सकती है। वो मंत्र आपको सुनने चाहिए, उन मंत्रों के बारे में आपको बताया जाएगा और बहुत तरीके की चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं, भले वो खाना पीना हो, रहन सहन हो, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बहुत सारी बातें, बहुत सारे टेक्निक्स इसके अंग हैं जो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताती रहूँगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने आज के टॉपिक पे हम आते हैं और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज जो कहानी वो है अष्टवक्र की। अष्टवक्र का वर्णन आपको महाभारत और रामायण में देखने और सुनने के लिए मिलेगा। इसमें अष्टवक्र के जन्म से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ। हुआ ये था कि एक ऋषि हुआ करते थे उद्दालक। ये ऋषि बहुत ही ज्ञानवान थे, बहुत तपस्वी थे, वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे और अपने आश्रम में अपने शिष्यों को ये वेदों का ज्ञान देते थे, शास्त्रों का ज्ञान देते थे। इनके आश्रम में पठन पाठन का बहुत ही अच्छा माहौल था। इनकी बेटी थी सुजाता। इनकी बेटी जो थी वो भी अपने पिता के सारे कक्षाओं में सम्मिलित हुआ करती थी। उद्दालक ऋषि के एक परम प्रिय शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था कहोद। उद्दालक ऋषि की भांति ही इनके जो शिष्य थे कहोद वो भी बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। ऋषि ने अपने इस शिष्य के साथ अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कर दिया। जैसे अपने पिता के आश्रम में उन्होंने माहौल देखा था पठन पाठन का, शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था और शास्त्रार्थ का माहौल होता था, उसी तरीके का माहौल उन्हें अपने पति के घर में भी देखने के लिए मिला। और वो जब उनके पति शिक्षा देते थे, क्लासेस जब उनकी चला करती थी, शास्त्रों की, वेदों के की जब बातें होती थी तो वो वहाँ मौजूद हुआ करती थी। चूँकि उन्हें इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो वो उन्हें सुना करती थी। एक बार हुआ ये कि जब सुजाता गर्भवती थी तो वो इसी तरीके की जब एक कक्षा चल रही थी जिसमें कहोद मंत्रोच्चारण पढ़ा रहे थे, मंत्रोच्चार कर रहे थे किसी विषय पर अपने शिष्यों के सामने और उन्हें समझा रहे थे,
उस समय अचानक से सुजाता के गर्भ में पल रही संतान जो थी उसने अपने पिता को संबोधित करते हुए कहा कि पिताश्री, आप ये जो मंत्र उच्चार कर रहे हैं उसका उच्चारण आप गलत कर रहे हैं। इससे कहीं ये ना हो कि आप गलत उच्चारण अपने शिष्यों को सिखा दें और आप उपहास का पात्र बन जाएं। कहोद ऋषि को ये बात बहुत बुरी लग गई और उन्होंने अपने होने वाली संतान को गर्भ में ही श्राप दे दिया कि जिस तरीके की टेढ़ी मेढ़ी बातें तुम अभी गर्भ में ही कर रहे हो, जब तुम पैदा होगे तो तुम 8 अंगों से वक्र पैदा हो गए। खैर, ये बात उस समय आई गई हो गई। सुजाता ने भी इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बीतने के बाद जब अष्टवक्र का जन्म हुआ तो वो 8 अंगों से टेढ़े पैदा हुए, मतलब कि उनके 8 अंग जो थे वो टेढ़े थे और इस वजह से उनका नाम अष्टवक्र पड़ा। अष्ट मतलब 8 और वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना। 8 अंगों से वो टेढ़े मेढ़े थे लेकिन उनकी विद्वत्ता का कोई सानी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। उन्हें वेदों का, शास्त्रों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज्ञान था। ये थी अष्टवक्र के जन्म की कहानी। इस कहानी में ज़रा हम थोड़ा पीछे चलते हैं और उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर कहोद ऋषि अपने शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं और जहाँ सुजाता की गर्भ में पल रही संतान अपने पिता से बात करती है गर्भ से ही। यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान देने वाली हैं। पहली बात ये कि संतान जो है, होने वाली संतान, वो गर्भ से ही रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ ये आपको ध्यान देना है कि जो मॉडर्न साइंस आज बता रहा है कि कोख में पल रहा बच्चा सुन सकता है और रिएक्ट कर सकता है, प्रतिक्रिया दे सकता है, ये बात हमारे वेदों में बहुत हजारों वर्ष पूर्व ही कह दी गई हुई थी। हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चा गर्भ में ही सुन सकता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है। अष्टवक्र ने गर्भ में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। उन्हें सारे शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का अच्छा ज्ञान गर्भ में ही हो गया था, क्योंकि उनकी माता इस तरीके की कक्षाओं में बैठा करती थी और इन बातों को सुना करती थी। तो माँ के ज़रिए और उस माहौल के ज़रिए ये सारी बातें उनमें गर्भ में ही ट्रांसफ़र हो गई थी। और दूसरी जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि वो जन्म से ही बहुत विद्वान थे। ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि उनके यहाँ माहौल ही वैसा था शुरू से। उनकी माता ने वैसा ही माहौल देखा था और उनकी माता खुद भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी थी। ये जो गुण है विद्वत्ता का, ज्ञानी होने का, ये गुण उन्हें हेरिडिटी में मिला था। ये सारे गुण उन्हें इनहेरिट हुए थे जीन के थ्रू। उनकी जीन में ये सारे गुण थे। उनके नाना बहुत ज़्यादा विद्वान थे, उनके पिता स्वयं बहुत ज्ञानी थे और माँ भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी थी। तो ये सारे गुण जो होते हैं माँ बाप के, ये बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ये मॉडर्न साइंस आज प्रूफ करता है। हमारी परंपरा, हमारा जो इतिहास है वो कितना रिच है, इन सारी बातों पर हम कितने हज़ार वर्षों पहले से ही ध्यान देते चले आए हैं और हमने इन सारी बातों को डिस्कवर कितने हज़ार वर्षों पहले ही कर लिया है, आप इन कहानियों से समझ सकते हैं। गर्भ संस्कार की नींव हमारे वेदों में कितने पहले हमारे पूर्वजों ने रख दी है, इन बातों को आज आप इन कहानियों के माध्यम से समझ सकते हैं। इस तरीके की इंटरेस्टिंग कहानियाँ, इंफॉर्मेटिव बातें मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी बताऊँगी। जिन कहानियों को सुनकर, जिन बातों को जानकर, जिन इंफॉर्मेशन को यूज़ कर आप गर्भ संस्कार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, या अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, माँ बाप बनना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके होने वाली संतान का आपसे इमोशनल अटैचमेंट बहुत अच्छा हो, आपके बीच की इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, आपके होने वाली संतान का बौद्धिक और शारीरिक विकास उत्तम प्रकार का हो, उत्तम तरीके का हो, तो आप जो बातें मैं आपको गर्भ संस्कार से रिलेटेड बता रही हूँ उन बातों को ज़रूर सुने, उनको अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में उसको फॉलो करें और आप उसका असर देखें। आपको वो सारे असर दिखेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। तो इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव बातों को लेकर, गर्भ संस्कार से जुड़ी हुई और भी इंटरेस्टिंग सारी जो टेक्निक्स हैं उनको मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी। आप उन वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।